हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिंह और आप देख रहे हो सुपर इंडिया। आज के दिन हम लोग करने वाले हैं बात टोटल 25 सीक्रेट फैक्ट्स के बारे में, बात जो कि है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से रिलेटेड। तो टोटल 23 मूवीज हैं इन्फिनिटी सागा के अंदर। हर मूवी से मैं कुछ सीक्रेट फैक्ट्स रिवील करने वाला हूं, जो हो सकता है कि शायद आपने नोटिस किए हों, बट या फिर हो सकता है कि ना किए हों, या नोटिस करने के बाद भी शायद आप उसे समझ ना पाए हों क्योंकि वो इतना डेप्थ में रहा हो। तो चलिए बिना किसी टाइम का वेस्ट किए शुरू करते हैं। मैंडरिन दरअसल एक ऑर्गेनाइजेशन चलाता है जिसका नाम है टेन रिंग्स। उसका निशान कुछ इस तरह का है। इस निशान वाली अंगूठियां बेसिकली ओबेस डायन, जो आयरन मैन 1 का विलन था, उसने पहनी थी, और उसके बाद में रजाम, जो किडनैपर था टोनी स्टार्क का, उसने पहना हुआ था। और एक और फन फैक्ट है, विप्लाश को भेजने वाला जो सीक्रेट एजेंट था, जिसने फेक पासपोर्ट दिया था विप्लाश को मोनैको जाने के लिए, बेसिकली वो भी मेंबर था टेन रिंग का। अब आने वाले शांग-ची मूवी के अंदर हम लोग को और भी बहुत सारे सीक्रेट फैक्ट्स रिवील होने वाले हैं टेन रिंग से रिलेटेड। क्या ये फैक्ट्स आपको ऑलरेडी पता था? आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हो। 24 कैप्टन अमेरिका फर्स्ट अवेंजर मूवी के अंदर बेसिकली एक सीन है जहां पर एक ग्लास के अंदर एक पुतला दिखाया गया था जिसके ऊपर लिखा था डॉक्टर फिनिस हॉटन द सिंथेटिक मैन, मतलब जो दरअसल मार्वल के शुरुआती सुपर हीरोज में से एक था और उसका नाम था ह्यूमन टॉर्च। लेकिन ये फैंटास्टिक फोर वाला ह्यूमन टॉर्च नहीं है, ये एक एंड्रॉयड था जर्विस के जैसा ही। इसका नाम है जिम हमंड। फैक्ट नंबर 23 है अवेंजर्स मूवी का वो बहस वाला सीन याद करो जहां पर सारी बातें ऑलमोस्ट फ्यूचर से रिलेटेड थी, जहां पर अब बात करें वन बाय वन करके। कैप्टन अमेरिका टोनी स्टार्क से कहते हैं कि अगर तुम सूट उतार दो तो क्या हो। आयरन मैन 3 मूवी के अंदर फाइनली आयरन मैन सूट उतार ही देता है काफ़ी टाइम तक के लिए। दूसरी ओर बात करें, निक फ्यूरी का रेफरेंस होता है थॉर के लिए, अगर हम लोग आके तुम्हारे एस्गार्ड पर धमाके करें तो तुम्हें कैसा महसूस होगा, जो कि हमें दिखा भी थॉर द डार्क वर्ल्ड में। उसके बाद क्या हुआ, मेलेकिथ ने कैसे आके धमाके किए। उसके बाद अगला रेफरेंस था ब्रूस का, जो कि कहता है कैप्टन अमेरिका शील्ड के लिए खतरा है, जो कि हमें देखने के लिए भी मिला विंटर सोल्जर के अंदर, जहां पर उन्होंने हाइड्रा को टारगेट करते हुए शील्ड को कैसे बहुत हद तक नुकसान भी पहुंचाया, लेकिन उनका टारगेट तो हाइड्रा ही था। 22 डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल प्ले करने वाले बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ही डोरमामू का भी फेशियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, साथ ही साथ उसकी वॉइस को भी बेनेडिक्ट कम्बरबैच के साथ में एक वॉइस आर्टिस्ट ने मिक्स करके इन दोनों जन की वॉइस का जो मैशअप है वही डोरमामू की आवाज़ है। ये तो बहुत स्ट्रेंज फैक्ट है, यानी डोरमामू के सामने डॉक्टर स्ट्रेंज ने खुद के साथ ही बार्गेन किया था। 21 जॉन फावरो जो कि रोल प्ले करते हैं हैप्पी हॉगन का, बेसिकली उन्होंने ही आयरन मैन 1 और आयरन मैन 2 मूवी डायरेक्ट की हुई है, लेकिन आयरन मैन 3 मूवी किसी डिस्प्यूट की वजह से वो डायरेक्ट नहीं कर पाए थे, लेकिन अपने रोल यानी हैप्पी हॉगन के लिए वो वापस आए थे। 20 गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी मूवी के इस सीन में रॉकेट के साथियों में ग्रूट के अलावा भी एक नाम लिखा हुआ है, जो है लायला, लीला, पीला, जो भी नाम आप पढ़ सकते हो पढ़ लो। बेसिकली ये कॉमिक से इंस्पायर्ड है, कॉमिक बुक में इसी कैरेक्टर से रॉकेट प्यार करता है, और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 मूवी में जहाँ पर रॉकेट का आर्क कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा, इस कैरेक्टर के दिखने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। 19 है थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी के अंदर हम एक और नई रियासत से रूबरू होते हैं जिसका नाम है मस्पलेहम। बेसिकली ये फायर जायंट्स का रियासत है और इसका किंग है सर्चर, हाँ वही जिसने एसगार्ड को तबाह कर दिया था फाइनली, और हर साइकिल में वो एसगार्ड को तबाह करेगा, ऐसी भविष्यवाणी है साइकिल के तौर पर। अब देखते हैं फ्यूचर में क्या थॉर इस साइकिल को ब्रेक कर पाता है, या थॉर 4 में हमें कुछ अलग सा दिखाई देता है एसगार्ड से रिलेटेड, देखने वाली बातें होंगी। नंबर 18 है एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर दिखाए गए हल्क बस्टर के अंदर बेसिकली 9 रिएक्टर्स थे, एक उसके सामने, 4 उसके पीछे, 2 उसके परों के आगे और 2 उसके परों के पीछे। अगर हम उसको पुराने छोटे सूट को भी लगा लें तो आर्क रिएक्टर गिन लें तो हम टोटल 10 गिन सकते हैं।
नंबर 17 है एंटमैन मूवी के अंदर एंटमैन बेसिकली जिस वैक्यूम क्लीनर के अंदर घुस जाता है उसके ऊपर लिखा होता है किर्बी, जो बेसिकली रेफरेंस है जैक किर्बी से था। वो बहुत ही फेमस कॉमिक बुक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने मार्वल और डीसी दोनों के लिए कॉमिक्स लिखी हुई है। नंबर 16 है आयरन मैन 3 मूवी के अंदर दिखाए गए विलन यानी एल्ड्रिच क्लियन के अगर आप हैंड पे देखोगे तो फिंग फैंग फूम का एक टैटू नजर आता है जो कि रेफरेंस है उसी का। बेसिकली आयरन मैन का मेन विलन कॉमिक के अंदर फिंग फैंग फूम ही था, बहुत बड़ा राइवल था उनका। इवन सिटी में एक जगह कार पार्क करते टाइम पे भी टोनी स्टार्क के सामने जो बिल्डिंग होती है उसमें भी दिखाई देता है हमें फिंग फैंग फूम का एक पोस्टर। अब आपको बता दूं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 से रिलेटेड एक रूमर है जहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि फिंग फैंग फूम का अपीयरेंस होने वाला है। अब तो आपको पता ही है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स टोनी से रिलेटेड विलन्स को अपीयर करा रहा है टाइम टाइम पर, तो रिलेटेबल विलन ये भी हो सकता है और हमें रेफरेंस ये दिख सकता है टोनी स्टार्क का गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 के अंदर भी। नंबर 15 है एरिक किलमोंगर से रिलेटेड। बेसिकली ब्लैक पैंथर मूवी के अंदर जब वो रिचुअल फाइट जीत जाता है ब्लैक पैंथर के अगेंस्ट में और पूरी राजगद्दी को संभालना शुरू करता है, तो उसके बाद सबसे पहला उसका डिसीजन होता है कि वो न्यूयॉर्क एंड लंदन पे अटैक करेगा जहां पर दोनों जगहों पर सैंक्टम होता है। तो यानी ये एक रेफरेंस था कि शायद हो सकता था फ्यूचर के अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज वर्सेस एरिक किलमोंगर हो पाता एमसीयू के अंदर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। या हो सकता है एरिक किलमोंगर मिस्टिक आर्ट को बहुत बड़ा थ्रेट मानता हो जिसकी वजह से उसने इन दोनों प्लेसेस को चूज किया। कुछ भी हो सकता है, आपको क्या लगता है इसमें से एरिक किलमोंगर का ओपिनियन क्या था? क्या वो डॉक्टर स्ट्रेंज और उनके रिलेटेड मिस्टिक आर्ट से भिड़ना चाहता था? नंबर 14 है आयरन मैन ने ही अपडेट किया था हेली कैरियर्स को। अवेंजर्स मूवी में हमने देखा था कि हेली कैरियर्स किस तरह से उड़ते थे। बेसिकली उनके उड़ने का स्टाइल कुछ पंखों पे बेस्ड था जो कि चेंज हो गया एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में जहां पर वो रिपल्सर जैसे वे में उड़ रहे थे। मैं आपको बता दूं अवेंजर्स मूवी में हॉकाई का जब अटैक हुआ था स्पेशली हेली कैरियर्स पर, तो उसके बाद हेली कैरियर्स पूरी तरह से कोलैप्स होना स्टार्ट हो गए थे। इवन टोनी स्टार्क ने कुछ हद तक उसे रोकने की कोशिश की थी और वो सक्सेस पाया था, लेकिन उसने ऐसी सिचुएशन फिर ना क्रिएट हो इसके लिए हेली कैरियर्स को अपडेट करने का सजेशन दिया था, जिसका रेफरेंस हमें विंटर सोल्जर मूवी के अंदर मिलता है जहां पर एक डायलॉग में ऐसा बताया गया है कि टोनी स्टार्क ने ही सजेशन दिया था कि हेली कैरियर्स का जो पैटर्न है उड़ने का उसे बदला जाए। नंबर 13 है क्रिस इवांस जो कि रोल प्ले करते हैं कैप्टन अमेरिका का। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने उन्हें टोटल 3 बार ऑफर किया था कैप्टन अमेरिका के रोल के लिए, लेकिन हर बार वो रिजेक्ट कर दिया करते थे। रीज़न था फॉक्स के साथ किए हुए फैंटास्टिक फोर मूवी की अनसक्सेस होने के बाद उनका किसी भी तरह की सुपर हीरोज मूवीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उसके ठीक बाद रॉबर्ट डाउनी जूनियर सर के एक कॉल के ऊपर उन्होंने उस रोल के लिए हामी भर दी थी। नंबर 12 है आई एम ग्रूट। इस आवाज़ को तो आपने सुना ही होगा। बेसिकली इसकी आवाज़ देने वाले जो एक्टर हैं वैन डीजल, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें स्ट्रेस के ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा हेल्प मिलती है इसी वॉइस से, और एक सिचुएशन ऐसी थी जब अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में थे वो, तब इसी वॉइस की वजह से वो उससे बाहर निकल पाए थे, और वो था पॉल वॉकर की डेथ। बेसिकली वो उनके बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और फास्टेस्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी आप जानते ही होंगे जिसके अंदर 7 और 8 मूवीज़ हैं, तो वो एक दूसरे के साथ काफ़ी लंबे टाइम से थे, और उसके उनकी डेथ सडन हो जाने के बाद हमारे वैन डीजल बेसिकली डिप्रेशन में चले गए थे एंड सडनली इस वॉइस के थ्रू वो ओवरकम हो पाए उस मेंटल अपसेट से। नंबर 11 है थॉर फर्स्ट जो मूवी आई थी उसमें ओडिन का एक सीन था जहां पर ओडिन एक घोड़े पर बैठे हुए हैं। अगर आप इस इमेज को जूम करेंगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा इस घोड़े के टोटल 8 लेग्स हैं। अब पूरी मूवी में कहीं भी इस घोड़े का नाम नहीं बताया गया है, तो इसका नाम है स्लेपनीर और ये नॉर्स माइथोलॉजी से पूरी तरह से एक्यूरेट है, या कह सकते हो वहाँ से अडेप्ट किया गया है। नंबर 10 है फार फ्रॉम होम मूवी के आने के बाद से ही लोगों को ऐसा लग रहा था कि मल्टीवर्स शायद इसी मूवी के अंदर रिवील होने वाला है या इसका एग्जिस्टेंस क्या होगा इसी में बताया जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं केविन फाइगी ने ऐसा इन्फॉर्मेशन पहले ही प्रोवाइड करा दिया था कि मल्टीवर्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है एमसीयू के अंदर, और उसका एक रेफरेंस मैं आपको इस वीडियो में दे रहा हूं, वो है डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में। इस सीन में क्लियरली नज़र आता है कि जहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछा जाता है कि तुम कहां हो, मल्टीवर्स में।
नंबर 9 है थॉर की ऑल टंग एबिलिटी से रिलेटेड। तो बेसिकली थॉर हर किसी के साथ किसी की भी भाषा में बात कर सकता है और सामने वाला भी उसकी भाषा में उसको रिप्लाई देगा और सामने वाला भी समझेगा और थॉर को भी समझ में आएगा, जिसका हम लोगों ने रेफरेंस इन्फिनिटी वॉर में भी देखा था, जहाँ पर वो ग्रूट की भाषा को समझ पाता है। यानी रॉकेट के बाद अगला यही ऐसा कैरेक्टर होता है जो ग्रूट के कहने का मतलब समझ पाता है। नंबर 8 है थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी के एंडिंग में जब लोकी राजा बन जाता है एस्गार्ड का, उसके बाद जो सारी 9 रियलम्स है उस पर उसका कंट्रोल हो है कमजोर पड़ जाता है और इसी मौके का फायदा उठाता है थेनोस और उसके बाद जाता है वो नीडेविलर पर, जहां पर जाकर वो इटरी से गाउंटलेट बनवाता है और उसकी बची हुई फैमिली को किल कर देता है, जो फैक्ट हम लोगों ने मूवी के अंदर नहीं देखा हुआ है। नंबर 7 है आयरन मैन ने अवेंजर्स मूवी से लेकर आयरन मैन 3 मूवी तक टोटल 35 सूट्स बनाए थे, जो कि था मार्क 7 से लेकर मार्क 42, ठीक उतना ही जितना उसने इन्फिनिटी वॉर से लेकर एंड गेम की फाइनल फाइट तक बनाए थे, जो कि था मार्क 50 से लेकर मार्क 85, यानी यहां पर 35 सूट्स और बनाए थे उसने। नंबर 6 है बेबी ग्रूट के डांसिंग का ये सीन जो गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 मूवी में दिखाया गया था शुरुआत में, इसको पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए ऑलमोस्ट 2 साल चले गए थे। और एक और फैक्ट गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी टीम से रिलेटेड ही है, क्रिस पैरेट जो रोल प्ले करते हैं स्टार लॉर्ड का, उन्होंने सेट से ही स्टार लॉर्ड की कॉस्ट्यूम चुरा ली थी क्योंकि उनको स्पेशल फैंस को ट्रीट करने जाना था हॉस्पिटल के अंदर। नंबर 5 है एरिक किलमोंगर की डेथ से रिलेटेड। बेसिकली एरिक किलमोंगर की डेथ भी उसी स्पीयर से होती है जिसकी वो बेइज्जती कर देता है, या कहूँ रिचुअल फाइट के ड्यूरेशन में वो उसको तोड़कर फाइनली घुसेड़ देता है ब्लैक पैंथर के अंदर, और उसके बाद ब्लैक पैंथर के साथ क्या होता है ये तो हमने मूवी में देख लिया था। नंबर 4 है आयरन मैन 2 मूवी का ये सीन जहां पर वो पूरी की पूरी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को हैक करता है। अगर आप उसको हैक सीन को क्लीन देखोगे तो मोबाइल पर आपको इल्यूमिनाटी का एक सिंबल भी नज़र आएगा। अब मैं आपको बता दूं, कॉमिक के अंदर एक इल्यूमिनाटी ग्रुप भी है जो पूरी तरह से अर्थ की सेफ्टी के लिए काम करता है। नंबर 3 है जेन फोस्टर जब थॉर को थप्पड़ मारती है, वो सीन 30 बार रीटेक किया गया है। यानी जेन मैडम का पूरा मूड घर से बना के आई थी कि वो थॉर को थप्पड़ मारेंगी और वो सीन भी रियल था। इसके अलावा भी एक सीन रियल था जिसमें लोकी को वो पंच करती हैं, पूरी तरह से रियलिस्टिक बेस सीन था ये भी। नंबर 2 है सबसे ब्रूटल स्नैप जो कि था हल्क का, जिसमें वो लोगों को वापस लाने के साथ साथ उनको सेफ प्लेस पर भी ले जा रहा था ताकि कोई इमरजेंसी ना हो, और इसके साथ में ही वो ब्लैक विडो को भी वापस लाने के लिए ट्राई कर रहा था, जिसकी इंटेंसिटी का अंदाज़ा आप लगा सकते हो क्योंकि थेनोस ने सिर्फ लोगों को डस्ट बनाने के लिए ट्राई किया था और टोनी स्टार्क ने थेनोस की पूरी आर्मी को थेनोस के साथ स्नैप करके हटाने के लिए कोशिश की थी। तो कौन था सबसे बेस्ट स्नैप करने के मामले में आपको पता चल ही गया होगा। नंबर 1 है बेसिकली टोनी स्टार्क की गाउंटलेट रिमूव की इंस्पिरेशन के बारे में। जब टोनी स्टार्क एंड गेम मूवी में अपने फादर के पास जाता है तो वो उनसे हैंडशेक के लिए ट्राई करता है, लेकिन टोनी स्टार्क के फादर हॉवर्ड स्टार्क उसके सामने सिर्फ एक उंगली दिखाते हैं जिसे वो पकड़ने की कोशिश करता है और खींचने की, लेकिन हॉवर्ड उस पर कहते हैं पहले इसे हिलाओ देन इसे खींचो। आप इस सीन को क्लियरली देख सकते हो एंड गेम मूवी के अंदर, और उसके ठीक बाद जब एंड गेम मूवी का फाइनल एंडिंग आता है जहां पर थेनोस स्नैप करने के लिए रेडी होता है, तो इसी इंस्पिरेशन का इस्तेमाल करते हुए टोनी स्टार्क गाउंटलेट से पहले इन्फिनिटी स्टोन को शेक करता है एंड देन रिमूव कर लेता है, जो आप लोगों ने देखा ही होगा मूवी के अंदर। तो ये थे टोटल 25 सीक्रेट फैक्ट्स। अब इस वीडियो के लिए मैं शाउट आउट दूंगा कुछ रेडिट यूजर्स को, उसके बाद मेरे भाई रेनिश चौहान को, उसके बाद सत्यम मिश्रा को, और ग्रुप्स में कहेंगे तो इंडियन मार्वल फैंस एंड मार्वल डिस्कशन इंडिया को भी मेरी ओर से ह्यूज शाउट आउट है। आप लोग जाकर FB पर इन ग्रुप्स से जुड़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही था दोस्तों, बाय।